कैपैसेंस निकाल लेते हैं कैपेसेंस का डेरिवेशन रिलेटिवली छोटा है आसानी से पूरा हो जाना चाहिए सेम तरीका है कि आप इंडक्टेंस के डेरिवेशन के बाद यह समझ चुके होंगे कि हमको कितनी चीजों के बारे में पार्टिसिपेट कितनी चीजों के बारे में समझना है ठीक है तो

चार्ज है क्यू कूलम्स दिस इज द कंडक्टर और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज ई इज इक्वल टू क्यू कूलम्स अपॉन टू पाई एफसेलन नॉट एफसेलन आर एक्स वो पर मीटर सैनिट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है और अगर एयर के लिए ई ER की वैल्यू वन के बराबर होती है इज इक्वल टू वन फॉर एयर वन फॉर एयर एयर की वैल्यू वन हो गई इसलिए ई e की वैल्यू क्या हो गई क्यू अपॉन टू पाई सॉरे नॉट एक्स वोट पर मीटर इतना हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस वी ए की जो वैल्यू है वी ए इज इक्वल टू आर से लेके इंफिनिटी तक सेम तरीका है नथिंग न्यू टू पाई एफसेरन नॉट एक्स डी एक्स इसका मतलब क्या हो गया क्यू अपॉन टू पाई एफसेरन नॉट और वन अपन एक्स के इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग एक्स लॉग एक्स आर टू इंफिनिटी ठीक है आर टू इंफिनिटी तक ये वाला हो गया एट अ पॉइंट पी और ऐसे में अगर ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैं मतलब ये है अगर इस तरह से है ये रहा ए और इसके अलावा बी सी डी ई e. बी C, D, E, N ऐसे बने हुए हैं। इन सबके डिस्टेंसेस हैं D1, D2, D3, D, D1, D2, D3, D4, ये है D N-1 आखिरी वाला है डी एन माइनस वन डी एन माइनस वन ये सारे अगर हो गए तो ऐसे में बेसिकली क्या हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू जो सेल्फ कैपेसिटेंस है सेल्फ कैपेस्टेंस के की के कैनिकल के के क्या रहा है क्यू अपन टू बाई एक्सन नॉट लॉग एक्स आर्ट टू इन्फिनिटी क्यू अपॉन दिस इज लेट कॉल दिस क्यू वन ये क्यू वन है यह क्यू टू है यह क्यू थ्री है यह क्यू फोर है क्यू फाइव है यह क्यू एन है तो क्यू वन अपॉन टू पाई एफसेल एन नॉट लॉग एक्स आर टू इन्फिनिटी ठीक है पहले यह टैली कर लो प्लस और भी चीजें सेम चीज है जो एक ऊपर जितना चार्ज था क्यू वन क्यू वन का क्यू वन अपॉन टू पाई नॉट लॉग एक्स की वैल्यूट इन्फिनिटी प्लस मतलब इसके बीच के स्टेप्स मैंने हटा दिए हैं आई एम वाली चीज आप लोग निकाल लेंगे आ, खाली मेन चीज आपको बता रहा हूं यह हो गया प्लस क्यू टू अपॉन टू पाई एफ नॉट लॉग एक्स कहा से कहां तक का हो जाएगा ये बी की वजह से कितना हो जाएगा बी की वजह से ए पर जो इफेक्ट होने वाला है तो उसका पोटेंशियल जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है दूसरे वाले का डी वन टू इन्फिनिटी प्लस क्यू थ्री अपॉन टू पाई एफ नॉट लॉग एक्स कहां से कहां तक का होगा डी टू टू इन्फिनिटी डी टू से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस करते 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 आ लास्ट वाला क्या आ जाएगा क्यू एन अपॉन टू पाई एफ एन नॉट लॉग एक्स डी एन माइनस वन से लेकर इंफिनीटी तक, 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 तक ये आ जाएगा सर सेम तरीका है नथिंग न्यू बैलेंस कंडीशन में फॉर बैलेंस कंडीशन q1 वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस समथिंग करके क्यू एन तक दैट इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन आता है दैट इज समथिंग लाइक दिस ये आएगा आपको इस तरह से मिलेगा जब आप इसको ओपन कर लेंगे लॉग इन्फिनिटी जब रख देंगे तो इक्वेशन आप जो आपको मिलेगा भी इसके लिए इस तरह का होगा वन अपॉन टू पाई एफसाइल एन नॉट क्यू वन लॉग वन अपॉन आर क्यू वन लॉग वन अपॉन आर प्लस क्यू टू लॉग वन अपॉन डी वन प्लस बढ़ते बढ़ते क्यू एन लॉग वन अपॉन डी एन माइनस वन इतना अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ प्लस लॉग इन्फिनिटी इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू एन ये आएगा पूरा वैल्यू सिंपली खाली लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग ड्यू टू अगर इस तरह कर देते हैं तो आपको बेसिकली ये वाला मिल जाएगा दिस इज इट एंड फॉर बैलेंस लोड और बैलेंस कंडीशन दिस इज इक्वल टू जीरो q1 वन प्लस क्यू से लेकर qn तक का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब आपके पास जवाब क्या बच गया खाली दिस ये वाला हो गया ये दिस द वैल्यू फॉर वी ए वी ए की वैल्यू हो गई वी ए इज इक्वल टू दिस ये रह गया ठीक अब आपको करना है सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अगर दो तार हैं, रेडियस दोनों का आर है दोनों में डिस्टेंस है दैट इज डी इसमें प्लस क्यू है लेटर ए में लेटर बी में माइनस क्यू है ठीक तो वी ए की जो वैल्यू है वी ए विल बी इक्वल टू तो वन अपॉन टू बाई एफ नॉट इस वाले फॉर्मूले से क्यू लॉग वन बाय आर प्लस क्यू टू इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू टू क्यू टू इज इक्वल टू माइनस क्यू यहां पर क्यू टू की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू तो माइनस क्यू यहां पर माइनस क्यू तो अपॉन डी ये रह गया बी कनेक्टर पर जितना भी चार्ज था क्यू टू क्यू टू कनेक्टर पर कितना चार्ज है फॉर्मूला दीजिए। वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा? क्यू भी बाहर निकाल लो इसमें लॉग वन अपॉन डी लॉग डी अपॉन आर दल टू क्यू अपॉन टू पाई नॉट लॉग डी बाई आर ये हो गया वी ए उसी तरह से Vb की जो वैल्यू होगी Vb की वैल्यू विल बी वी ए अगर ये है Vb विल बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टू पाई एफ आर नॉट लॉग डी बाई आर बस खाली इतना फर्क पड़ रहा है दैट इज माइनस माइनस हो गया ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू टू क्यू टू टू कैंसिल कर जाएगा तो क्यू अपॉन पाई एफ एल नॉट लॉग डी बाय आर ये रह गया और कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी विच इज इक्वल टू Q अपॉन दिस होल थिंग कितना हो गया Q अपॉन जो भी आ गया Q अपॉन अपॉन Q अपॉन पाई एप नॉट लॉग डी बाय आर क्यू और क्यू कैंसिल कर गया पाई एफस एल नॉट ऊपर चला गया टू तो पाई एफ्स एल नॉट अपॉन लॉग डी वाई आर दिस दिज अर कैपेसि इतना फेराड्स पर मीटर फेराड्स पर मीटर ये यह की वैल्यू आ जाएगी ठीक बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि क्यू इज टू माइनस क्यू मतलब अगर दो तार हैं इसमें अगर Q है तो दूसरे वाले माइनस क्यू है मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी तार हैं उनका बैलेंस कंडीशन का मतलब ही यह है कि इसका मतलब टोटल चार्ज अगर सबका चार्ज टोटल कर दिया जाए खाली चार्ज देन दैट विल बी इक्वल टू तो जीरो तो Q प्लस माइनस क्यू देट इक्वल टू जीरो खाली दो तार का केस देख रहे हैं तो इसमें Q माइनस क्यू इजल टू जीरो अगर मोर नंबर ऑफ केस होते तो कुछ के अंदर Q ज्यादा होता कुछ के अंदर Q कम होता इवेंचुअली सम वुड हैव इक्वल टू दैट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय बैलेंस कंडीशन ये पॉइंट है बैलेंस कंडीशन में दिस फिंगर प्राइज दिस अच्छा अब छोटी छोटी दो तीन चीजें और देखिए एक है स्किन इफेक्ट एक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक है ट्रांसपोजिशन स्किन इफेक्ट क्या है मान लीजिए यह पूरा कनेक्टर है इसके अंदर सारे स्ट्रैंड हैं, सारे स्ट्रैंड हैं बका जो भी अब बीच वाले उसमें अगर स्ट्रैंड्स देखते हैं तो इसमें दीज स्ट्रैंड्स आर सराउंडेड बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये स्टेटमेंट समझिए हर स्ट्रैंड के अंदर करंट जा रहा है इसलिए हर स्ट्रैंड के अंदर जो करंट जा रहा है वो एक अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है बाहर के जो कनेक्टर्स हैं सरफेस के जो कनेक्टर्स हैं इनका जो इस एरिया में जितना फ्लक्स है वो इसके अंदर के कनेक्टर्स का है तो दिस एरिया इज सब्जेक्टेड टू लेसर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज कंपेयर टू दिस इसके चारों तरफ फ्लक्स फैला हुआ है इसमें खाली एक साइड से फ्लक्स आ रहा है इस साइड साइड बाहर की में फ्लक्स नहीं है

जहां पर फ्लक्स कम है इसलिए रिएक्टेंस भी कम है तो यहां पर करंट ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और अंदर की साइड में करंट बिल्कुल भी नहीं होती है करते करते अंदर की तरफ बिल्कुल सेंटर वाला जो कनेक्टर होगा वहां पर करंट डेंसिटी दैट इज एब्सोल्युटली जीरो बीच वाले जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है जितना आप सेंटर की तरफ चलते आएंगे रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है जितना आप बाहर की तरफ चलते आएंगे वह रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती आ रही है इसलिए करंट सारी की सारी लो रिएक्टेंस वाले एरिया में इकट्ठी हो जाती है तो यहां पर जो करंट डेंसिटी है बहुत ज्यादा है यहां पर कम हो गई कम होते होते होते, 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 होते यहां पर बिल्कुल करंट डेंसिटी की वैल्यू बिल्कुल जीरो तो यहां पर करंट जा ही नहीं रहा दर इज नो करंट फ्लोइंग इन साइड देंट्रल स्टैंड बाहर वाले जितने है, उसके अंदर सारी सारी करंट फ्लो कर रही है तो इसकी वजह से क्या होता है करंट सारी सारी बाहर की तरफ इकट्ठी हो गई मतलब इफेक्टिवली क्या है मान लीजिए इसका क्रॉस एरिया वॉज से टेन मिलीमीटर स्क्वायर दिस इज ह्यूज बहुत बड़ा है फिर भी बता रहा हूं टेन मिलीमीटर स्क्वायर है उसके अंदर करंट जा रही थी थीट वॉज से हंड्रेड एम्पियर्स तो यहां स्ट्रैंड ले लीजिए तो यहां इसकी करंट डेंसिटी होनी चाहिए पर, पर मिलीमीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी होनी चाहिए थी और अगर यहां का स्टैंड अगर ले रहे हैं तो उसकी करंट डेंसिटी भी 10 होनी चाहिए थी 10 पर, पर मिलीमीटर स्क्वायर इतनी होनी चाहिए थी होता क्या है यहां की हो जाएगी 20 और यहां की हो जाएगी जीरो नॉट एक्सली ट्वेंटी बट जस्ट गिव एन आइडिया बाहर की करंट डेंसिटी बाहर के जो सर्विस है पूरे उसके ओवरऑल करंट डेंसिटी ओवरऑल एवरेज जो है वो रहेगा टेन एमपे पर मिलिम, पर मिलीमीटर स्क्वायर इतना ही रहेगा लेकिन इसमें बाहर के जो तो सर्विस एरिया वाले जो कंडक्टर्स उनकी करंटिटी ज्यादा है और बीच वाले की कम है इसलिए एवरेज अगर लेंगे तो आपको इतना निकल निकल के आएगा पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया का तो इसकी वजह से क्या होता है करंट अगर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है इसका मतलब बाहर के जो स्ट्रैंड है उनकी हीटिंग ज्यादा हो रही है जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतना उनका मेल्टिंग मतलब एरोजन ज्यादा हो रहा है तो इसलिए कुछ टाइम के बाद में कुछ सालों के बाद में इफेक्टिवली इसका जो क्रॉस एरिया थोड़ हो जाएगा। जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तो नदी क्या करेंटिस की वैल्यू और बढ़ जाएगी इसका मतलब एरोजन की जो रेट है मोर, और बढ़ता जाएगा। दिस स्किन इफेक्ट क्या है वो देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ये है कि दो कंडक्टर हैं इसके अंदर करंट बाहर की तरफ आ रही है इसके अंदर करंट अंदर की तरफ जा रही है अगर ऐसा होगा तब क्या हो रहा है तब ऐसे में वही रिएक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रिएक्टर्स के अनिबन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जितना भी करंट है वो सारी की सारी अंदर के एरिया की तरफ डेंसिटी बढ़ जाती है यहां बढ़ गई अगर दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन दोनों में अगर ऑपोजिट चल रहा है तो अंदर के इनर साइड्स के अंदर कर, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है करंट डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस और बाहर के आउटर साइड्स के अंदर करंट डेंसिटी डिक्रीजेस अगर ये इस तरह के होते हैं कि दोनों के अंदर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही है दोनों में बाहर आ रही है दोनों में अंदर जा रही है या, या दोनों में अंदर जा रही है अगर ऐसा होता तब बाहर के साइड की करंट डेंसिटी बढ़ गई होती दिस अगेन बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंस बस खाली थी बाहर के जो एरिया है उनके अंदर करंट डेंसिटी बढ़ जाती है और अंदर वाले एरिया के अंदर कम हो जाती है अगर दोनों में डायरेक्शन सेम है, ठीक है दिस इज बेसिकली प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एक चीज है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या है यह है मान लीजिए इधर का लाइन सपोर्ट एक है और एक लाइन सपोर्ट मान लीजिए यहां पर है इसके कुछ देर के बाद में एक लाइन सपोर्ट यहां पर एक और इससे तार ये यह यहां से यहां गया ये यह तार यहां आया ये यह वाला तार यहां यह वाला तार यहां कनेक्ट हुआ ये यह वाला यहां कनेक्ट हुआ ठीक है सेम चल रहे अब ऐसे में होता क्या है अगर आपने तीनों तारों को उसी ऑर्डर में कनेक्शन अगर चलने दिए तो होता क्या है जो उनके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के जो इफेक्ट्स हैं प्लीज नोटिस कि इंडक्ट का जो इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो गवर्नड अदर कंडक्टर इसकी इंडक्टेंस कितनी होगी दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर अभी आपने इंडक्टर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखे हुए हैं इंडक्टेंस के जो इंडक्टेंस के और कैपेसिटेंस के जो आपने डेरिवेशन देखे उसमें आपने ये वाली चीज देखी कि इस तार की जो इंडक्टेंस है दैट इज आल्सो इफेक्टेड बाय अदर कंडक्टर आल्सो इसकी जितनी कैपेसिटी आने वाली दैट इज बाय अदर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज क्लियर रेजिस्टेंस इस तार की जितनी रेजिस्टेंस है वो इस तार की ही है उसका दूसरे बाकी तारों से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस ऐसे नहीं है उनका फर्क जो है वो इससे और इससे भी पड़ने वाला है अब ऐसे में अगर इन तीनों के बीच के जो फिजिकल डिस्टेंस है वो आपने पूरे लाइन में सेम रहने दिया तो जिधर की भी लोडिंग ज्यादा हो रही है उस पर्टिकुलर तार पर इंडक्टेंस का इफेक्ट जिसमें भी ज्यादा चल रहा है उसमें पूरे तार में पूरी लेंथ पे मान लीजिए इसको अगर साइड से अगर आप देखते हैं तारिया जा रहा है एक तारिया जा रहा है एक तारिया जा रहा है अब हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ अन ईवन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ये यहां पर तो बराबर बराबर स्पेस है लेकिन यहां पर जाते जाते, जाते आ, आगे पीछे हो गई टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो हुआ क्या कि मान लीजिए ए बी सी तीन कंडक्टर हैं तो सी कंडक्टर के ऊपर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस का फर्क ये पड़ा कि इसकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बढ़ गई एज कंपेयर टू ए और बी सी वाले की एल और सी बढ़ गई तो पूरे लाइन में मान लीजिए पांच सौ किलोमीटर लंबी लाइन है तो पूरे लाइन के अंदर यही वाली चीज हो जाएगी पूरी लाइन में सी की की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ज्यादा है ए और बी की कम चल रही है तो अनइवन लोडिंग होनी शुरू हो जाती है तो आप करते क्या है कि आप कुछ कुछ देर के बाद में ए बी सी ये है मान लीजिए अगला पॉइंट ये है इसका अगला पॉइंट ये है तो आपने क्या करा यू ट्रांसपोज देम मतलब आपने क्या करा कि अस कॉल दिस ए को आपने लगा दिया यहां बी को लगा दिया यहां और सी को लगा दिया यहां नेक्स्ट सपोर्ट में मतलब ऐसे मत देखना इस तरह से मत देखना इसको मैं दूसरी तरह से बनाता हूं देखो मान लीजिए ये तीन तीन तार चल रहे थे तो क्या करेंगे आप ये रा बी ये सी इसको यहां जोड़ दिया इसको यहां जोड़ दिया इसको यहां जोड़ दिया कुछ देर के बाद इसको यहां इसको यहां इसको यहां फिर कुछ देर के बाद में इसको यहां इसको यहां इसको यहां ऐसे करते करते रहते सपोर्ट्स है सपोर्ट्स पे आप उन उन तीनों को साइकिल ऑर्डर में घुमाते रहते हैं नतीजा क्या है कि जो उनके जो इंडक्टेंस और कैपेसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी लाइन में अगर आप कैलकुलेट करके निकालें दैट विल कम आउट टू बी बराबर बराबर तीनों में बराबर बराबर जाएगा ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर तार की इंडक्टेंस बहुत ज्यादा निकल के आ रही है दूसरे वाली कपैसिटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है तो पूरे जो जितनी लाइन है उस लाइन के अंदर पूरा ऐसी कंडीशन है अब तीनों इंडक्टेंस भी कुछ देर वन थर्ड डिस्टेंस तक इस पर लोड ज्यादा है तो दूसरे वाले इस में क्या हो गया बी पर ज्यादा लोड आ गई में सी पर ज्यादा फिर उसके बाद ए पे आ गई तो वनधर वनधर डिस्टेंस पर कर, करते जा रहे हैं है? ये, है। ये सब काम करने यू जरूरी है, कि जितना आपने जो वो है सप्लाई जेनेटर स्टेशन जो है जनरेटर के ऊपर अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन नहीं आने चाहिए तो वैसे ही आप जो इसमें जो लोड सप्लाई करने वाले हैं उस पर अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन वहां से तो वहां आएंगी वहां भी आप पूरी कोशिश करते हैं कि तीनों फेजेस के ऊपर लोड बराबर रहे नहीं तो पता चल सारा सारा फेज अगर एक ही फेज पर आ गया तो बाकी दोनों फेजेस एक तो बेकार जा रहे हैं और उस फेज के ऊपर लोडिंग ज्यादा हो रही है तो तीनों फेज पर बराबर बराबर लोड बटे रहना चाहिए और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो इन तीनों ये जो जो लाइन्स हैं इन लाइन्स के जो अपने पैरामीटर्स होते हैं आर एल और सी मोस्टली एल और सी नॉट आर इनका फर्क भी बहुत ज्यादा पड़ता है इसीलिए आप ऐसे में ये वाला काम करते हैं यू परफॉर्म ट्रांसपोजिशन ठीक दिस इज डन एट a लॉन्ग डिस्टेंस मतलब हर पोल पे नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं कि हर पोल पे ऐसा कर रखा है कुछ डिस्टेंस या पांच छह किलोमीटर तक के बाद में फिर दिन यू ट्रांसपोज इट दिस प्रैक्टिकल थिंग ये हर जगह करनी जरूरी है इनफैक्ट नहीं तो अनबेलेंस रोडिंग कंडीशन आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं करते कि आप हर पोल पर चेंज करते जा रहे हैं ऐसा नहीं करेंगे मतलब मान लीजिए दो किलोमीटर तक तीन किलोमीटर तक एक सेम चली चली जा रही है फिर उसके बाद आपने पोल चेंज कर दिया फिर चला जा रहा चला जा रहा दो तीन किलोमीटर तक फिर आपने पोल चेंज कर दिया इस तरह काम कर अच्छा जी अब तीन तरह की लाइन्स होती हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स ठीक शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग के अंदर फर्क क्या है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स लेस देन सिक्सटी किलोमीटर्स एंड ट्वेंटी केवी लेस देन सिक्सटी किलोमीटर्स लेस देन ट्वेंटी केवी मीडियम लॉन्ग लॉन्ग इज मोर देन 150 फिफ्टी किलोमीटर्स एंड मोर देन हंड्रेड केवी ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीडियम सस्पेंस है मीडियम के बारे में सस्पेंस है मीडियम की वैल्यू क्या होगी साठ सौ ऊपर एक सौ डेढ़ सौ नीचे सिंपल दोनों के बीच की होगी ना बीस से सौ सौ तक तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जब आप सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का इक्वल सर्किट डायग्राम जिस टाइम आप बनाते हैं वो ऐसा बन के आता है सर कैपेसिटेंस का इफेक्ट इस केस में नेगलिजिबल माना जाता है अभी आप शॉर्टली देखेंगे कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर आप ऐसा नहीं मानते मीडियम के अंदर आप सारी सारी कैपेसिटेंस एक जगह लंपड मानते हैं लंप करके इकट्ठी करी हुई वो एक जगह मानते हैं तो उसमें तीन मॉडल निकल के आएंगे एक मॉडल होगा एक मॉडल ये एंड कैपेसिटर दूसरा है बाय टू आर बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू सी दिस इज नॉमिनल टी मेथड, टी शेप का दिखाई दे रहा है टी मेथड तीसरा है नॉमिनल पाई मेथड, सी बाय टू सी बाय टू ये वाला काम करते हैं तो ऐसा ये हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स के मॉडल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर आप बेसिकली क्या काम कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस आपने मानी है लेकिन पूरा आर एल और सी तीनों का इफेक्ट आपने एक जगह इट्टा माना है ठीक है शॉर्ट वाली के अंदर तो आपने कैपेसिटेंस का इफेक्ट कर दिया है ठीक है देखो 60 किलोमीटर तक की लाइन के लिए आपने कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेग्लिजल मान लिया तो ट्रांसपोर्टिशन इज नॉट फॉर वेरी स्मॉल लाइन इज ऑलवेज फॉर वेरी वे लॉन्ग लाइन सौ किलोमीटर से ऊपर की जो लाइन होगी डेढ़ किलोमीटर से ऊपर तक की लाइन जो होंगी उनके लिए आप यूज करने वाले हैं इसके केस में तो आपने बस सारे सारे एक तरफ इकट्ठा मान लिया लॉन्ग के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारी रेजिस्टेंस आपने एक तरफ इकट्ठी मान ली इंडक्टेंस एक इकट्ठी मान ली ऐसा नहीं करते तो यू मॉडल कंटिन्यूस मॉडल कैसा होता है लॉन्ग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पर यूनिट पर यूनिट लेंथ एक यूनिट लेंथ की से एक यूनिट आपने माना दस किलोमीटर की बीस किलोमीटर की पचास किलोमीटर की पचास किलोमीटर की कितनी रेजिस्टेंस थी कितनी इंडक्टेंस थी कितनी कैपेसिटेंस थी वो आपने यहां फिर अगले पचास किलोमीटर की यहां पे पर अगले पचास किलोमीटर के यहां पे दिस बेसिकली पर मॉडल ये हो गया आपको उसके अंदर एंड कंडेंसर भी दिखाई जाएगा नॉर्मल टीवी दिखाई जाएगा नॉर्मल पाप भी दिखाई जाएगा सब सारे दिखाई तीनों दे तो दिस इज बेसिकली द मॉडल ऑफ अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दिस इज नॉट देयर इन योर कोर्स लेकिन आपके कोर्स में इसके और इसके डेरिवेशंस आपके कोर्स में हैं डेरिवेशंस क्या है सिंपल इक्वेशन लिखने आने चाहिए और आर एल सी की वैल्यूज इवेल्यूट करने के लिए नहीं है आर एल सी की वैल्यूज अगर आपको पता है तो लॉसेज कैलकुलेट करने के लिए ठीक है लॉसेज कैलकुलेट करने के लिए ये बड़ा सारा प्रोसीजर है